ट्रेवल एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड डे है क्योंकि मेरे फादर मुझे एक नया मोबाइल लेकर दे रहे हैं। वो मोबाइल हम अपने बजट के मुताबिक देखेंगे कौन सा अच्छा मोबाइल है, किसकी क्वालिटी बेहतर है और कौन सा हमारे बजट पे बजट के मुताबिक हम खरीद सकते हैं। तो हम मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कौन सा मोबाइल अच्छा है। हम घर से रवाना हुए, यहाँ पर बहुत से मनाजिर देखे। आए आप भी मुलाजा कीजिए, ये हाई स्कूल की दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं और अल्लाह ताला के पाक नाम लिखे हुए हैं और इनके तर्जमे लिखे हुए हैं। यहाँ हमारे साहिबाल में काफ़ी बारिश हुई है और यहाँ सड़क के आसपास बारिश का पानी ठहरा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मंजर लग रहा है। अब हम ये रोड से गुजर रहे हैं और ये देखें, ये कितनी प्यारी मस्जिद आ गई है और ये कितनी ही खूबसूरत मस्जिद है, सुभान अल्लाह। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे पार्क आएगा। ये देखें सड़क के दरमियान में कितनी ग्रीनरी है। जी दोस्तों, तो आ गया ये पार्क, आप भी देखेंगे ये पार्क कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर भी ग्रीनरी है और ये दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये अब माल मंडी चौक है जहाँ पर पुरानी सकाफत की चीज़ें बनी हुई है, मिट्टी की दीवार। और अब हम ये आगे रोड की तरफ जा रहे हैं। हाई स्ट्रीट के पुरौनक मनाजिर आपके सामने है। मोबाइल्स की मुख्तलिफ शॉप्स पर मोबाइल के सैंपल देखे और रेट्स मालूम किए। ये हैं सब मोबाइल मार्केट्स। एक और ज़रूरी बात, मोबाइल ख़ुद बुरा नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल इसको बुरा बना देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। अगर एहतियात करें, अपना वक्त का एहसास करें, गेम्स और फजूल कामों से इज्तनाब करें तो मसला ही नहीं। मोबाइल आज के वक्त की बड़ी ज़रूरत है, बड़े फ़ायदे इसके हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं और हमने इनसे रेट्स मालूम किए हैं। ये भी हम एक दुकान पर हैं, इधर से भी हमने रेट मालूम किया है, ये आप ये देख सकते हैं। और रेट मालूम करने के साथ साथ हमने डिफरेंट मोबाइल्स देखे हैं और इनके डिफरेंट सिस्टम्स थे। और ये डिफरेंट मॉडल्स के थे, कोई वीवो, कोई नोकिया और डिफरेंट कंपनीज, आईफोन, ओप्पो कंपनी और इस तरह की दूसरी कंपनीज। तो ये एक हमें मोबाइल आया, पसंद आया।
हमने इसका रेट भी मालूम किया और ये Y15 था, लेकिन ये अच्छा अभी हमें नहीं लगा। हमने और इनसे मोबाइल देखाने का कहा। बिल आखिर एक दुकान पर हमने Y11 मोबाइल जोन सा वीवो का है वो हमने पसंद किया और खास डिस्काउंट के साथ हमें मोबाइल मिल ही गया। इसकी बताएं क्या क्या है इस पैसे में। मोबाइल 3 32 है इसके। बताएं वीवो Y11। अच्छा, इसके अलावा कोई और? ये वाला भी दिखा दें। ये वीवो का Y90 मोबाइल है। वीवो Y90 और ये एक हमने मोबाइल पसंद किया। हमने थोड़ा देखा कि इससे और सस्ता, हमने उनसे पूछा। पहले तो हमने Y11 और Y90 देखे, लेकिन अब जो हमसे हमने देखा वो है टेक्नो का मोबाइल। और ये टेक्नो का पॉप ZF है। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मोबाइल स्कैनर मतलब के फेस लॉक भी लगा हुआ था। और सब और हम क्या क्या करते हैं, डील करते हैं या चीज़ें बेचते हैं? हर चीज़ को देखते हैं, मसलन। लेकिन फिर हमने आखिरकार Y11 को ही पसंद किया। हमने कुछ उनसे बातें भी की कि वो रेट कम करें, तो बिल आखिर उन्होंने रेट कम कर दिया। आला वर्कर डाले और रिपेयर वर्क भी करते हैं, रिपेयरिंग। और हमने आखिरकार मोबाइल खरीद ही लिया। अब आप इस मोबाइल Y11 की अनबॉक्सिंग देखिए और देखिएगा कितना प्यारा मोबाइल है। दोस्तों अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करने लगे, लेकिन इससे पहले आपकी कुछ डिटेल है। ये आप देख रहे हैं इसकी डिटेल कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और हमने इसको अब कट किया और ऊपर से बॉक्स को उतारा, तो अब देखें हमारे सामने ये मोबाइल आया है। देख रही है फ्लावर एंटरटेनमेंट चैनल। ये देखें, ये है मेरा Y11 मैरून कलर का मोबाइल। जी हाँ, बिल्कुल यही खूबसूरत मोबाइल है मेरा, और अब इसी से मैं वीडियो बनाया करूँगा और एडिट कर अपलोड किया करूँगा। जी देखा आपने कितना प्यारा कलर है, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है और शाइनिंग कलर है, माइंड ब्लोइंग। जी दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।